नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें, केंद्र सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए, जिसके चलते 9 से 22 दिसंबर के बीच आने वालों का अब टेस्ट किया जाएगा। तो सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का किया जाएगा कोरोना टेस्ट, जहां पर संक्रमितों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग को भेजे जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली में जो है लगातार कोरोना वायरस का कोहराम जारी है, ऐसे में केंद्र सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए। बता दें, कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं। तो 9 से 22 दिसंबर के बीच आने वाले तमाम लोगों का फिलहाल कोरोना टेस्ट किया जाएगा, और साथ ही बता दें सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का ये कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो जिस तरीके से कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन सामने आए, तो उसी को देखते हुए फिलहाल के सरकार ने ये आदेश जारी किया है। संवाददाता राजीव तिवारी से जानकारी लेंगे। राजीव, कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है, क्या कुछ कहा है केंद्र सरकार ने? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से जो कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन आया है, वो कहीं ना कहीं अब और ज्यादा पावरफुल है, और ज्यादा 70% ज्यादा ये वायरस खतरनाक बताया जा रहा है। मगर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं पाई है कि कितना खतरनाक है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से ब्रिटेन से आए हुए लगभग 20 लोगों के अंदर इसके वायरस की पुष्टि हो चुकी है, और कहीं ना कहीं उनको इलाज भी किया जा रहा है। मगर अब देखना होगा इनके लोगों के संपर्क में कितने लोग आए थे, उनका भी जांच की जाएगी और उनकी भी कहते हैं चेकिंग की जाएगी। मगर बात करें जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस वायरस से और ज्यादा बचने की जरूरत है, और लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मास्क, सैनिटाइजर और या कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का दोबारा से पालन करना होगा। मगर जनता कितना पालन कर पाती है, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि पहले ही COVID-19 के जो वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे जनता, वो अभी तक उन तक नहीं मिल पाई, और जनवरी से वो वैक्सीन का टीका जो है वो लगना स्टार्ट होगा। मगर अब जब नया चैलेंज आ चुका है, तो उससे बचने के लिए भी अभी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का यूज करना होगा। मगर केंद्र सरकार ने अभी राज्य सरकारों को पछोड़ा हुआ है, राज्य सरकारें इनको कंट्रोल करें ताकि दोबारा से वायरस ना फैल सके। मगर जो नया स्ट्रेन है, ये ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा है, यहां तक कि ब्रिटेन के अंदर भी इस वायरस ने हाहाकार मचा रखा है, ताकि दिक्कतें जरूर आ रही है ब्रिटेन के अंदर भी, और भारत के अंदर अब जब 20 लोगों के अंदर सिम्टम मिले हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी चिंता बढ़ना मुश्किल है। अनुसार 9 से 22 दिसंबर के बीच आने वालों का टेस्ट किया जाएगा, ऐसे में क्या कोई रोड मैप अपनाया गया, क्या कोई फॉर्मूला सरकार इसको लेकर करने वाली, क्योंकि 8 दिन बीत चुके हैं अब 9 से 22 दिसंबर के आने के बीच, जो कौन कौन आया है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो वायरल के जो ब्रिटेन से आए लोग थे, उनकी अब चेकिंग की जा रही है। 9 से 12 तारीख के बीच में जितनी भी फ्लाइटें आई थी, उन सबकी जांच की जाएगी। यहां तक की कोशिश ये की जाएगी कि जितने भी यात्री आए थे या उनके संपर्क में जितने भी लोग थे, उन सबका चेकिंग किया जाए, और ताकि इस वायरस से ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। जी बिल्कुल राजीव, क्या राज्य सरकार दिल्ली द्वारा भी क्या कोई आदेश इस नए स्ट्रेन को लेकर अभी तक सामने आए हैं? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें राज्य सरकारों की, तो राज्य सरकार दिल्ली ने पहले ही केंद्र सरकार को कहा था कि जो ब्रिटेन से की जो फ्लाइटें आ रही हैं, उसको रोका जाए, क्योंकि नए वायरस का जो खतरा वहां पे बना हुआ है, वो भारत में ना आए। मगर कहीं ना कहीं भारत ने कभी ना थोड़ी सी लापरवाही जरूर करी, और कहीं ना कहीं वायरस का जो खतरा है, वो भारत के अंदर आ चुका है, और 20 लोगों के अंदर पुष्टि होने के बाद कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को जागरूक होना पड़ेगा, और राज्य सरकारों को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जनता को भी। जी बिल्कुल राजीव, क्या कोई गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने जारी किया, ऐसे में क्या कोई क्वारंटीन होने की, जिस तरीके से पहले किया जाता था 14 दिन का क्वारंटीन का पीरियड रखा जाता था, क्या ऐसे में एक बार फिर से क्या कोई गाइडलाइंस इसको लेकर सामने आई है? देखिए, बिल्कुल पहले जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से बात करें, तो केंद्र सरकार ने जरूर स्पष्ट किया है कि जितने भी कह सकते हैं पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं, यानी कि जो नए वायरस के स्ट्रेन के लोग मिल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं क्वारंटाइन किया जाए, यहां तक कि उनको अस्पतालों के अंदर अलग अलग रूमों के अंदर रखा जा रहा है, ना कि एक साथ, क्योंकि पहले जो कोविड का वायरस था, वो कहीं ना कहीं एक ही रूम के अंदर कई 4-5 व्यक्तियों को रखा जाता था, मगर अब नहीं रखा जा रहा, कहीं केंद्र सरकार इस पर कड़ी निगाहें बनाई हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किसान आंदोलन की। जहां किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है, लेकिन कृषि कानून को लेकर किसान सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं है और किसान सरकार से लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कर रही है। इसी के चलते आज सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बैठक होनी है। बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे किसान और सरकार की बातचीत होगी, और लेकिन किसानों ने बातचीत से पहले सरकार को फिर से चिट्ठी भेजकर अपनी एजेंडे को याद दिलाया है। तो किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है और इसी के चलते जो है सरकार और किसानों के बीच में 7वें दौर की बैठक होनी है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता राहुल जी हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। राहुल जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है। नमस्ते राहुल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। राहुल जी, क्या 35 दिन से लगातार चल रहे गतिरोध आज खत्म हो पाएगा? देखिए, उम्मीद करते हैं कि आज जो कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच होने वाली बातचीत है वो सकारात्मक रूप लेगी, क्योंकि वही किसान आंदोलन से सबसे अधिक त्रस्त हैं। लंबे गतिरोध के बाद भी मुझे लगता है कि आज जो सरकार ने समय दिया है उसमें कुछ किसान भाइयों को कुछ सोचना पड़ेगा। जो 40 संगठन है, ठीक है, उन 40 संगठन को एक चीज के लिए तो आना ही पड़ेगा कि जिद छोड़ना होगा, क्योंकि सकारात्मक बातें तभी हो सकती हैं जब आप जिद से कहीं सरकार आपकी बात को सुने, कहीं आप सरकार की बात सुनिए। सकारात्मक रूप तभी आ सकता है किसी भी बातचीत में। तो जो जिद किसान संगठन ने ले रखा है कि कानून को रद्द करने के लिए, उस पर तो सरकार ने पहले ही स्पष्ट क्लियर कर दिया था कि इससे हम अलग नहीं होंगे। हाँ, सुधार की जहां तक आवश्यकता पड़ेगी वो करने के लिए सरकार सही है और तैयार भी है उसके लिए। बिल्कुल राहुल जी, ऐसे में आपने कहा कि किसानों ने जिद अपना रखी है, तो ऐसे में सरकार का क्या कोई फॉर्मूला अपनाने वाले सरकार इस बातचीत के माध्यम से? देखिए, सरकार तो फ्लेक्सिबल है ही, वेलफेयर के लिए है, और सरकार बार बार उनको निमंत्रण दे रही है कि आप आइए और हमसे बात कीजिए, और सरकार भी गई है उनके पास, बैठकर बातें भी हुई। पहले मुद्दा था संशोधन क्या, तो संशोधन किया गया। फिर माननीय कृषि मंत्री जी ने लिखित में 8 पेज का चिट्ठी लिखा, उस चिट्ठी को भी एक लिखित के रूप में सबूत के तौर पे पेश किया गया कि हम ये काम कर रहे हैं कर। देखिए, ये जो कानून है वो आने वाले भविष्य और समय की मांग थी जिसको किया गया है। ये बहुत लंबे समय से लंबित था, इसको सही तरीके से सरकार ने किसानों के सामने लाया ताकि वो सशक्त बन सके। और मुझे लगता है कि आज के जो बैठक होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक रवैया जरूर होगा, और मेरा ये आग्रह है किसान भाइयों से, क्योंकि ये जो 40 किसान संगठन वहां पे जो मांग कर रहे हैं, एक उनके साथ मेरी संवेदनशीलता अभी भी है कि अभी जो समय चल रहा है ठंड का है, बहुत सारी परेशानियां हैं, इससे आपको बचना चाहिए। और जो आप कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं इसमें आप सुधार की तरफ चलिए, और ये 40 किसान संगठन का मांग पूरे देश की मांग को नहीं दिखाता है, इसलिए इस चीज को भी समझना होगा जी। और सकारात्मक रवैये से दोनों को बैठकर 1-to-1 बात कर इसको। लेकिन राहुल जी, सवाल तो यही है ना कि जो आज की जो बैठक होगी सरकार की तरफ से किस आधार पर आज बैठक की जाएगी, क्या कोई संवाद किस आधार पर सरकार अपना रखने वाली है किसानों के सामने? देखिए, जो कृषि बिल के जो जितने अच्छे अच्छे पहलू हों, जो महत्वपूर्ण पहलू है उसको रखी जाएगी, और जो किसानों की तार्किक मांगे हैं उनको सुना जाएगा, और बीच का निष्कर्ष निकाला जाएगा, क्योंकि उसमें एक कमेटी बनाने की भी बात हुई थी। आपको याद होगा कि 1991 में एक कृषि कानून आया था जो एक बदलाव के रूप में देखा गया था। ठीक 2020 का जो कृषि कानून है वो भी एक बदलाव के रूप में ही देखने को मिलेगा। तो दोनों पक्ष और विपक्ष आपस में बैठकर इसमें जो बदलाव के कानून को किसान स्वीकार भी तो नहीं कर रहे हैं ना राहुल जी? देखिए, मैंने इसी बात को तो कहा था कि वो जिद पे अड़े हैं, उनको विपक्ष का जो नकारात्मक रवैया है वो उनको सकारात्मक की तरफ ले जाने के लिए बाध्य कर ही नहीं रहा है। वो बार बार उनको बरगला रहे हैं
और केवल पंजाब में और आसपास के अगर क्षेत्रों में देखा जाए तो ही ये ट्रबल है। आप राहुल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। संदीप जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, क्या 35 दिन से चल रहे गतिरोध आज खत्म हो पाएगा सरकार और किसानों की बातचीत के बाद, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरह से सरकार का अड़ियल रवैया समझ में आ रहा है और बातचीत के पहले ही उन्होंने शर्त लगा दी है, हमें नहीं लगता कि किसान जो है उस पर एग्री होंगे। जब वो आप किसान कह रहा है बिल वापस ले लीजिए, सरकार वार्ता के पहले ही कह रही है कि आप बिल वापस नहीं लेंगे, आप आइए बात करिए। और दूसरी चीज आप ये समझिए, सरकार का अड़ियल रवैया इसी से समझ में आता है कि आप बहुत से किसान आंदोलन हुए हैं और भी अन्य आंदोलन हुए हैं, सारे आंदोलनों में जब भी आंदोलन का बड़ा स्वरूप रहा है, सरकार के मंत्री, सरकार के सचिव वगैरह जाकर धरना स्थल पर जाकर बात करते हैं और वहां पर सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन आप ये देखिए, हठधर्मी और अहंकारी सरकार कितनी है कि किसानों के प्रतिनिधिमंडल को अपने पास बुलाती है बात करने के लिए कि आप आइए, आपकी मतलब आपके आपकी गर्ज हो तो आप आइए, हम नहीं आने वाले। तो आप गतिरोध तब समाप्त होगा जब सरकार और एक कदम सरकार पीछे हटेगी, एक कदम पीछे। लेकिन संदीप जी, सरकार बातचीत करने की कोशिश तो कर रही है और सरकार का ये आरोप है कि विपक्ष किसानों को मुद्दे से भटका रहा है, उनको बरगलाने का काम विपक्ष कर रहा है। नहीं नहीं, देखिए, अगर बरगलाने की अगर बात कर रहे हैं, क्या जो है किसान इतना मूर्ख तो आज की डेट में है नहीं। किसान का ही लड़का आईएएस है, किसान का लड़का ही नेता है, किसान का लड़का ही बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, और आप उसको ये कह दें कि उसको इतना मूर्ख आप समझते हैं? मतलब भाजपा की मानसिकता और सरकार की मानसिकता तो ये है कि उन्होंने जो बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ी रखे हैं, किसान उनको किसान ही मानने को नहीं तैयार है। उनका मानना है कि नेता जी जो है BMW से चल सकते हैं, नेता जी स्कॉर्पियो से चल सकते हैं, नेता जी सफारी से चल सकते हैं, जबकि सोर्स ऑफ इनकम इनसे पूछ ले तो नहीं बता सकते। संदीप जी हमारे साथ राहुल जी है जो की बीजेपी नेता है। राहुल जी, संदीप जी की बात सुनी होगी आपने, उनका कहना है सरकार कोई कदम खुद से उठाना ही नहीं चाहती है। देखिए, सबसे पहले मैं संदीप जी से पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस कानून के बारे में जिक्र किया था, क्या वो मैनिफेस्टो से उस कानून को वापस ले लेंगे क्या? पहली इनकी यही पे विफलता है, विपक्ष की विफलता यही पे है। दूसरी बात उन्होंने कही कि किसान के साथ अड़ियल रवैया लगा रखा है सरकार ने, तो इनको मैं इनकी नजर को मैं उनके तरफ एक बार केंद्रित करना चाहूंगा। थोड़ा हमारे मैनिफेस्टो को अगर आपने पढ़ा तो अभी बता दीजिए। सकारात्मक डिबेट में बातों को सुनना चाहिए, मेरी बातों को बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। सोलर राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की खेती की जाती है, ठीक। आपको एक बार और मैं केंद्रित करूंगा, भारतीय खाद्य पदार्थ जो है उसके ऊपर विदेशी कंपनियों ने हाइजैक कर लिया, कोको कोला आ गया, पेप्सी आ गए, अन्य अन्य ब्रांड आ गए, ठीक। उस पर किसी ने हल्ला नहीं किया, लेकिन रामदेव बाबा अगर अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो अराजकता फैल जाएगी। यही विपक्ष समझाने की कोशिश करता है किसान भाइयों को। और आज के डेट में जो किसान की बात ये कर रहे हैं कि किसान पढ़ा लिखा है बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन सिर्फ 40 किसान संगठन जिनको फंडिंग किया गया है, जो खालिस्तानी समर्थक हैं, एक उसके लिए, और इनके ही कैप्टन अमरिंदर जी की मैं बात करता हूं जो इनके माननीय मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फीता काटते हैं और दूसरी तरफ आके इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये खुद कंफ्यूज हैं, ये बस चिंगारी में आग लगाने का काम करते हैं। विपक्ष का अगर सकारात्मक रवैया रहता है तो सुनने में भी मिलता है। मैं एक बार और केंद्रित करूंगा अपनी बातों को, अगर जिस प्रकार से ये जो कृषि कानून को वापस लेने की मांग इसलिए किसी सूरत में भी नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि इससे एक किस्म की अराजकता को ही बल मिलेगा। कल कोई अन्य समूह संगठन 10-20 हजार लोगों को दिल्ली लाकर किसी तरह के कानून को वापस करने की मांग कर सकते हैं। तो विपक्ष को सकारात्मक रवैया न माना चाहिए। और संदीप जी क्या कुछ कहेंगे? भाजपा पूरा कर रही है। देखिए, इन्होंने पहली बात तो मैनिफेस्टो पे एक सवाल उठाया, उसका मैं जवाब दे दूं भाजपा के हमारे मित्र को। शायद इन्होंने सिर्फ सुना है, पढ़ा नहीं।
सुना है पढ़ा नहीं है, इसलिए कि हम वहां पर एपीएमसी खत्म करने की या एपीएमसी में बदलाव की बात कर रहे थे, लेकिन उसके पहले वाले पैराग्राफ में ये भी कह रहे थे कि मार्केट को मैं गांव-गांव पहुंचा दूंगा। और आप ये मान के चलिए कि 2014 के पहले गांव में कितनी मार्केट बनी है, इसका उदाहरण आप किसी भी जिले में चले जाइए, कम से कम आपको 100 ग्रामीण स्तर पर आपको मार्केट मिल जाएगी, जो कि आज की डेट में सरकार चालू नहीं कर रही। उस जो है जगह का आवंटन होना था, दुकानों का आवंटन होना था और गांव-गांव मार्केट पहुंचाने की बात की थी, और एपीएमसी अपने आप खत्म हो जाती, लेकिन उस पर नियंत्रण सरकार का होता, ना कि कारपोरेट घरानों का। अभी आपने एक बात रखी बाबा रामदेव की, तो बाबा रामदेव उन्हें मत कहिए, बाबा नहीं है वो, लाला रामदेव है। लाला रामदेव के लिए है, ठीक है जी। संदीप जी और राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वहीं सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री आवास योजना के जरिए वहां पर पहुंचकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है शुभारंभ किया। और बता दें गोरखपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हस्तांतरण किया गया। बता दें इसके चलते जो है मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हस्तांतरण किया गया है। बता दें इस योजना के तहत 21,000 लाभार्थियों के आवास निर्माण के लिए 87 करोड़ की पहली किस्त पर ऑनलाइन हस्तांतरण किया गया। तो सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इस हस्तांतरण किया। साथ ही बता दें 21,000 लाभार्थियों के आवास निर्माण के लिए हस्तांतरण किए गए हैं, तो 87 करोड़ की पहले किश्त पर ऑनलाइन ये हस्तांतरण किए गए हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम लाभार्थियों को ये सौगात दी है, जहां पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये हस्तांतरण किए गए हैं। तो सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और बता दी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर तमाम मंत्रीगण इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है तमाम लाभार्थियों को यह सौगात दी गई है। तो 87 करोड़ की पहले किश्त पर ऑनलाइन ये हस्ताक्षर किए गए हैं, जहां पर सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये हस्ताक्षर किए। बता दें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत तमाम लोगों को इसकी सुविधा जो है फिलहाल दी जाएगी। बता दें 21,000 लाभार्थियों को इसकी सुविधा जो है प्राप्त होगी। तो सीएम योगी लगातार सौगातों की बारिश उत्तर प्रदेश में करते जा रहे हैं, जहां पर फिलहाल ये पूरी तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत तमाम हस्ताक्षर किए। बता दें 21,000 लाभार्थियों के आवास निर्माण के लिए हस्ताक्षर जो है सीएम योगी ने किए हैं। तो पहले किश्त पर भी ऑनलाइन हस्ताक्षर जो है वो सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर दिए हैं। बता दें आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये हस्ताक्षर जो है सीएम योगी ने किए हैं। तो 21,562 लाभार्थियों के आवास निर्माण के लिए हस्ताक्षर जो है वो किए गए हैं और इसकी पहली किश्त भी ऑनलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। तो सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली तरीके से ये पूरा कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम के जरिए लगभग 21,000 लाभार्थियों को इसकी सौगात भी मिली है। तो गोरखपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी ने लाभार्थियों को तमाम सौगातें प्राप्त की दी हैं। और इसी के साथ खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए आरएन न्यूज।